और महिला जन अधिकार समिति का निर्माण हमने पीड़ित महिलाओं ने मिलकर किया है। हम लोग काफ़ी ऐसे दलित महिलाएं थी जो छुआछूत की भेदभाव की वो उत्पीड़न झेला है, यौन शोषण का झेला है, कई तरह की हमारी वो महिलाओं की समस्या थी। सो महिला जन अधिकार समिति एक नारीवादी संगठन है, तो सन 2000 में हमने महिला जन अधिकार समिति को एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन किया और इस समिति को रूरल महिलाओं ने मिलकर शुरू किया था। अभी जो यंग लड़कियां जुड़ रही हैं तो ज़्यादातर गांव से हैं और वो अपनी एजुकेशन को जारी रखते हुए वो एक तरह से काम कर रही हैं, तो उसमें हम लोगों का ये नियम है कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और वो छुट्टी ले सकते हैं, तो उसमें हम उनका किसी तरह का पैसा नहीं कटेगा, वो एग्ज़ाम टाइम में यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। और हमारे यहाँ कंप्यूटर सेंटर चलता है, उसमें भी जो ज़्यादातर लड़कियाँ हैं उनके लिए हमने ये स्पेस भी क्रिएट कर रखा है कि वो यहाँ आके अपना होमवर्क कर सकते हैं, यहाँ जो रेफरेंस बुक है उनको यूज़ कर सकते हैं। फेमिनिस्ट जो है एक विचारधारा है और उस विचारधारा में प्रोसेस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो हम लोग जो है एक तो कुछ हमारे बेसिक वैल्यूज़ हमने उसमें सेट किए हैं, जैसे इक्वलिटी को अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सरसाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन में एक्सरसाइज करना और जिस इलाकों में हम काम करते हैं वहाँ पर हमारा नज़रिया से हम देख पाएँ कि कहाँ कहाँ भेदभाव है और उस भेदभाव को कम करने के लिए किस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। समिति में आने के बाद जैसे जेंडर को लेकर के जो भी नया स्टाफ आता है उसके लिए जेंडर ट्रेनिंग कंपलसरी है और वो ट्रेनिंग होती है, उसमें मेरे को बहुत सीखने को मिला। और इसके साथ साथ पित सत्ता को लेकर के, जो गांव के अंदर पित सत्ता की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो वो किस प्रकार से वो बैरियर्स को तोड़ना है। इसके साथ साथ यहाँ पर चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा है, तो उस चाइल्ड मैरिज के जरिए पित सत्ता किस प्रकार से हावी है वो मेरे को यहाँ पे बहुत सीखने को मिला। जब मैं आया था तो मेरे व्यवहार के अंदर भी काफ़ी कुछ था, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे जो नीड बेस्ड ट्रेनिंग्स आयोजित करती है संस्था, जो लगता है उनको कि इस मुद्दे के ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग्स यहाँ पे आयोजित की जाते हैं और वो मेरे लिए ही नहीं जितने भी स्टाफ हैं उन सबके लिए हेल्पफुल होते हैं। 2016 में हमने स्पोर्ट्स इनिशिएटिव लिया था जिसमें फुटबॉल हमने शुरू किया, तो उसका और उसके बाद हमने बहुत सारा लड़कियों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, तो उससे काफ़ी लड़कियों पे प्रभाव अच्छा हुआ है, बहुत सारा बदलाव आया है जिसमें लड़कियां अपनी बात कर पा रही है परिवार में, वो सरपंच के सामने जाके डिमांड रख रही है, उनके खेल मैदान की बात कर रही है, अपनी समस्याओं पर बात कर रही है। पहले ऐसा लगता था कि मतलब घर में काम करना, घर में खेलना, लेकिन अब हम बाहर निकले हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, शॉर्ट्स पहन के खेलते हैं। पहले तो हमें ऐसे भी बोला था कि तुम सलवार सूट में खेलने जाओ, लेकिन सलवार सूट में नहीं खेला जा सकता, तो शॉर्ट्स भी पहने धीरे धीरे और फिर खेलना शुरू किया। पहले ताने देते थे कि ये तो बिगड़ जाएगी वहाँ पर जाके, ऐसे मतलब बहुत ताने देते थे, लेकिन अभी तो नहीं देते हैं। खेल मैदान की लड़ाई हो, चाहे परिवार में बात करना हो, चाहे अपने भाइयों के साथ बराबरी करनी हो, तो वो एक तरह से आवाज़ उठाने लगी है कि भाइयों को ये चीज़ क्यों मिल रही है और मुझे क्यों नहीं मिल रही है, या भाई को तो आप पढ़ा रहे हो प्राइवेट स्कूल में और मुझे ऐसे क्यों, तो इन सब बातों पे लड़कियों ने आवाज़ उठाना शुरू किया है। मारो दमाक शो जो जो लड़ाई लड़ लड़ लड़ाई लड़ लड़ बर्दी बाहर में काम करियो, केकड़ी तहसील के माने अजमेर के माने सुहाई माधुपुर तक पंचायत समिति में महिला के साथ भी काम करियो।